भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उपकप्तान हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर कर दिया पहले वनडे महामुकाबले के लिए सबसे घातक प्लेइंग 11 का ऐलान। वेस्टइंडीज को कुचलने के लिए रविंद्र जडेजा सहित इन 5 शेरों को किया शामिल, जबकि संजू सैमसन सहित इन 3 को बाहर फेंक कर सबको कर दिया हैरान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलने वाली। इसके पहले वनडे महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि इस महामुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार कितने बजे से होने वाली है, यह महामुकाबला कहां खेला जाएगा, अब तक भारत और वेस्टइंडीज के ओडीआई में क्या क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं, साथ ही में रोहित शर्मा के द्वारा घोषित की गई घातक प्लेइंग 11 सहित बहुत कुछ जो कि आपको इस महामुकाबले से रिलेटेड जानना जरूरी है। मगर उससे पहले आप हमको बताइए कि पहले वनडे महामुकाबले में भारतीय टीम में वेस्टइंडीज दोनों में से कौन सी जीतेगी, प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां दूसरा टेस्ट महामुकाबला त्रिनिदाद के मैदान पर खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम जीत के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। वहीं इस दौरे पर इसके बाद भारतीय को 27 अगस्त से लेकर 1 अगस्त तक 3 मैचों की वनडे श्रृंखला, उसके बाद 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेलनी है। वहीं पर 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला वनडे महामुकाबला 27 अगस्त दिन गुरुवार से खेला जाने वाला है। यह महामुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर को 1:30 से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस दोपहर को 1 बजे फेंका जाएगा। वहीं पर अगर बात करें इस महामुकाबले की, तो यह महामुकाबला किंगस्टन ओवल ब्राइट चेक टाउन बारबाडोस के मैदान पर खेला जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम इस महामुकाबले के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा घोषित की गई घातक प्लेइंग 11 की बात करें, तो उससे पहले आज तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेले गए वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें, तो 139 महामुकाबले भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले हैं, 70 वनडे महामुकाबले भारतीय टीम ने जीतने में सफलता हासिल की है, वहीं पर 63 महामुकाबलों में वेस्टइंडीज ने बाजी मारी है, 4 महामुकाबले बिना कोई रिजल्ट के घोषित हो गए, 2 महामुकाबले बराबरी पर खत्म हुए। इसके अलावा 32 महामुकाबले भारतीय टीम ने अपनी सरजमी पर जीते हैं, जबकि 20 महामुकाबले वेस्टइंडीज ने उसकी सरजमी पर जीते हैं। ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं पर टेस्ट में जिस तरीके का प्रदर्शन वेस्टइंडीज ने किया है वह बेहद शर्मनाक रहा है, तो अब देखा जाएगा भारतीय टीम क्या वनडे में यही प्रदर्शन जारी रखती है या फिर नहीं। वहीं पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने उप कप्तान हार्दिक पांड्या से चर्चा करते हुए खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है वह किन 11 भूखे शेरों को साथ कर रहे हैं। जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि बतौर ओपनर फिर से ओपनिंग जोड़ी बदलने वाली है, जो कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल के रूप में दिखाई देने वाली है। टेस्ट में यह जोड़ी एसएस जयसवाल के साथ दिखाई दी थी। वहीं पर कप्तान रोहित शर्मा इस वनडे मुकाबले में खतरनाक अंदाज में दिखाई देने वाले, क्योंकि पहले टेस्ट महामुकाबले में जहां उन्होंने 103 रन की शतकीय पारी खेली, दूसरे टेस्ट महामुकाबले में उन्होंने शानदार 80 से भी ज्यादा रन बनाए, तो ऐसे में उनका फॉर्म लौट चुका है और पहले वनडे महामुकाबले में अगर वह दोबारा शतक ठोक दे तो काम नहीं होगा। शुभमन गिल टेस्ट महामुकाबलों में तो फ्लॉप साबित हुए, मगर उनका फॉर्म 2023 में बेहद शानदार रहा है। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, सबका ही उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उनके बल्ले से तूफानी शतक निकल सकता है। विराट कोहली तीसरे स्थान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली पर भरोसा जताया है और विराट कोहली ने पहले टेस्ट महामुकाबले में 86 रन की पारी खेली, दूसरे टेस्ट महामुकाबले में शानदार 121 रन की शतकीय पारी खेलकर सबको हैरान कर दिया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 76 शतक लगा चुके, सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में नंबर 1 एक्टिव प्लेयर्स में शामिल विराट कोहली नंबर 1 पर है। ऐसे में उनका बल्ला चमकेगा तो वह किसी भी टीम की परखच्चे उड़ा सकते हैं। चौथे स्तर पर आपको सबसे खतरनाक T20 के प्लेयर सूर्य कुमार यादव की घातक बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। सूर्य कुमार यादव बेहद ही शानदार बल्लेबाज है, हालांकि अब तक वह वनडे में कुछ ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए हैं, ऐसे वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका बल्ला आग उगल सकता है, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। पांचवें स्थान पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या का ऑलराउंडर प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, जहां उपकप्तान हार्दिक पांड्या बेहद ही शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से वह मैच को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा छठवें स्थान पर विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। ईशान किशन वह बल्लेबाज है जो की वनडे में 2 शतक बांग्लादेश के खिलाफ ठोक चुके हैं, ऐसे में वेस्टइंडीज जैसी कमजोर टीम के सामने उनका बल्ला बेहद शानदार चल सकता है। हालांकि अब तक वह टेस्ट में कुछ खास नहीं कर सके, टेस्ट सीरीज में वह जल्दी आउट हो गए थे। इसके अलावा 7वें-8वें स्थान पर 2 स्पिनर खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां 7वें स्थान पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया। अक्षर पटेल बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, शानदार गेंदबाजी करके वह किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने अपनी शानदार ऑफ स्पिन का जलवा कुछ समय पहले ही दिखाया है। आईपीएल में वह शानदार गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। 8वें स्थान पर रविंद्र जडेजा की तूफानी गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर खिलाड़ी है और टेस्ट में उन्होंने अभी 8 शतक भी लगाया है। इसके अलावा वह लगातार विकेट ले रहे हैं और अपनी गेंदबाजी सभी को चकनाचूर कर रहे हैं, ऐसे में उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी पर शक नहीं किया जा सकता है। वहीं पर 9वें-10वें और 11वें स्थान पर 3 तेज गेंदबाज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जहां पर 9वें स्थान पर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। दरअसल दूसरे टेस्ट महामुकाबले में वह फिट नहीं थे, इस कारण उनको टीम से बाहर बैठना पड़ा। अब वनडे में उनकी वापसी हो रही है। रोहित शर्मा के वन ऑफ द फेवरेट तेज गेंदबाज माने जाते हैं, वह शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसके अलावा 10वें स्थान पर मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी दिखाई देने वाली है। मोहम्मद सिराज इस समय मौजूदा वनडे रैंकिंग में भारत की तरफ से सबसे अच्छी रैंकिंग पर मौजूद है। कुछ समय पहले वह ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज भी थे, ऐसे में उनका आत्मविश्वास
बल्लेबाज बेहद शानदार है, टेस्ट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब है इनका प्रदर्शन जारी रहने वाला है वनडे में। इसके अलावा 11वें स्थान पर जयदेव उनादकट को मौका मिलने वाला है। जयदेव उनादकट वह खिलाड़ी है जो की बेहद लंबे समय से वनडे में प्रदर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। लगभग 10 साल पहले उन्होंने अपना आखिरी वनडे महामुकाबला खेला था, वह भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऐसे में 10 साल बाद वह फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय वनडे महामुकाबला खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा संजू सैमसन, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मलिक और मुकेश कुमार ऐसे खिलाड़ी है जिनको की भारतीय टीम में मौका नहीं मिल पा रहा है। अब उम्मीद लगाई जा रही है की पहले वनडे महामुकाबले में इस घातक प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम जीत जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम वापसी करके वनडे महामुकाबले में जीतेगी या नहीं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ साथ नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।